हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ तक्षशिला इंग्लिश मीडियम स्कूल बाय। टुडे वी लर्न अवर नेशनल फ्रूट मैंगो। व्हिच इज अवर नेशनल फ्रूट? अवर नेशनल फ्रूट इज मैंगो। डू यू लाइक टू मैंगो? यस। आज मैंगो सबको अच्छी लगती है। व्हिच इज अ रो मैंगो टेस्ट? रो मैंगो टेस्ट इज सॉर। कच्ची मैंगो का टेस्ट कैसा होता है? खट्टी होती है। एंड व्हिच इज द रिपन मैंगो? रिपन मैंगो मीन्स टेस्ट इज स्वीट। वाओ, सबको ये मैंगो कौन सी सीजन में आती है? मैंगो समर सीजन में आती है। मैंगो मोस्टली सबको बहुत अच्छी लगती है। आज हम वही लेसन में हम आज सीखते हैं। चलो, इधर मैंने कुछ लिखा है, देखो। कांजी सोने कोयल केरी कुंज कैरी बगीचे। हाउ मेनी लेटर इन फर्स्ट रो? फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन इन फाइव लेटर। कोयल केरी कुंज, हाउ मेनी लेटर इन सेकंड रो? 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी लेटर इन सेकंड रो? 7। केरी बगीचे मीन्स हाउ मेनी लेटर्स? 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स। ओके, दिस 3 लाइन इज कॉल्ड हाइको। इनको क्या कहा जाता है? हाइको। इनको हम जैसे देखते हैं, कांजी लिसन ए कुकू कुंज, कोयल केरी कुंज मींस कुकू कुंज, कैरी बगीचे मैंगोज इन ऑर्चर्ड। ओके, दिस इज अ जापानीज पोएम। जापान ने ये पोएम लिखी है। और ये टोटल लेटर इनके कितने होते हैं? तो देखो, 5, 7 और 15। हाउ मेनी लेटर्स इन हाइकू? हाइकू इज टोटल 70 लेटर का जो होता है, उनको हाइकू कहा जाता है। हाइकू में 3 लाइन होती है। ये जापानी पोएट ने ये पोएम लिखी है। उनको ऐसा फॉर्मेशन दिया है, 5 + 7 + 5, ऐसा उनको फॉर्मेशन दिया गया है। इधर मैंने और एक एग्जांपल लिया है, मीठी सुगंधी छू सोरठने के हूँ छू केसर। इनको हम इंग्लिश में कैसे लिख देते हैं? आई एम अ स्वीट एंड फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट मीन्स स्वीट, मीठी स्मेल। हूँ छू सोरठने के मैंगो फ्रॉम सूरत। हूँ छू केसर, आई एम अ केसर। देखो कितना वर्ड्स, कितने वर्ड्स है फर्स्ट रो में? हाउ मेनी वर्ड्स इन फर्स्ट रो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हाउ मेनी लेटर इन फर्स्ट रो? 5। हाउ मेनी लेटर इन सेकंड रो? 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी लेटर इन थर्ड रो? 1 2 3 4 5। ये हाउ मेनी लेटर्स इन टोटल हाइकू? ये 3 लाइन का जो होता है उनको हाइकू कहा जाता है। ये 3 लाइन है वो उनको हाइकू कहा जाता है। आपको पता थी ये मैंगो के बारे में ये पोएम? देखो कितनी अच्छी पोएम बना दी है। ओके, चलो आज हम अभी नेक्स्ट में देखते हैं, मैंगो को संस्कृत में क्या कहा जाता है? मैंगो को संस्कृत में आम्र कहा जाता है। मैंगो के डिफरेंट शेप होते हैं। देखो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। डू यू सी? ओके, ये शेप अलग अलग होते हैं, अलग अलग एम्ब्रॉयडरी में होता है, पेंटिंग में होते हैं, किसी की दीवार में भी ऐसे शेप होते हैं, साड़ी में होते हैं, ड्रेस में होते हैं, बहुत सारों में ऐसा मैंगो का शेप हमको दिखाई देता है। और अभी मैंगो कहाँ पे ज्यादा होती है वो आपको पता है? ओके, वो सौराष्ट्र में एक तालाला करके तालुका है, वो वो सोमनाथ में तालाला डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे केसर कैरी बहुत अच्छी मिलती है। और वो केसर कैरी का पूरे वर्ल्ड में वो केसर कैरी फेमस है। जैसे कि हमारा गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है, वैसे मैंगो का भी कैपिटल होता है। मैंगो का कैपिटल कौन सा है? मैंगो का कैपिटल तालाला है। तालाला मैंगो का कैपिटल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ की कैरी एकदम स्वीटनेस बहुत अच्छी आती है इसलिए। ओके, देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, वो हम आज सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, ब्रिंग सिमिलर नंबर ऑफ मैंगो बॉक्स एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ऐसा बोला है कि आप
ब्रिंग सिमिलर नंबर ऑफ मैंगो। आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब स्टूडेंट एक जैसे एक सेम मैंगो लाएंगे। Each box must contain 18 मैंगो। सारे स्टूडेंट कितने मैंगो लाएंगे? 18 मैंगो लाएंगे। If all the student will open the box and pile the mango in a single heap। और बाप ने क्या बोला है सारे स्टूडेंट को? वो मैंगो एक ढेर में खड़ा करना है, सब सबको इधर मैंगो रखनी है। What will be the total of mangoes in the heap? तो वो पूरी ढेर में कितने मैंगो होगी वो हमको काउंट करना है। और दूसरा पूछा है हाउ मेनी हिप्स 10 मैंगो ईच कैन बी मेड फ्रॉम द बिग हिप। वो जो हमने बिग हिप बनाई है उनकी 10-10 में डिवाइड करनी है तो कितने हिप होंगी वो भी हमको काउंट करना है। ओके चलो नाउ स्टार्ट। पर हमारे पास तो क्लास की संख्या नहीं दी है तो हमारे क्लास में चलो सपोज करते हैं हमारे क्लास में 30 स्टूडेंट है। ओके स्टूडेंट्स इन माई क्लास और कितने मैंगोज लाने हैं ई स्टूडेंट्स। चलो हमने एक्सपोज सपोज किया है तो हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 30 स्टूडेंट। और 30 के 30 स्टूडेंट बॉक्स लाएंगे तो एक और एक बॉक्स में कितने मैंगो होंगे? 18। तो हम लिखते हैं ईच बॉक्स contain 18 mangoes। हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं? 30 स्टूडेंट्स। तो 30 बॉक्स कंटेन 30 स्टूडेंट्स कंटेन हाउ मैनी। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ओके सॉरी 30 बॉक्स में कितने मैंगो होंगे वो ढूंढना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 18 मल्टी 13 करेंगे। चलो हाउ मैनी विच आंसर 18 मल्टी 30 करना है। ये आपको मल्टीप्लिकेशन आप फोर्थ स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीख गए हैं तो आज हम फिर से करते हैं। 1 को हम 0 के साथ मल्टी करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। और 8 को हम 3 के साथ मल्टी करेंगे तो क्या आएगा? 8 3 24 होता है। 24 होता है ये यूनिट वाली प्लेस हम इधर लिखेंगे और 2 कैरी रखेंगे। अभी 1 को 3 के साथ मल्टी करना है 1 3 3 और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 540। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 540। तो कितने मैंगो होंगी टोटल मैंगोज इन ही 540 टोटल मैंगो इन द हीप। ओके अभी देखो अभी हमको क्या बोला है हाउ मेनी हीप 10 मैंगोज इच कैन बी मेड फ्रॉम द बिग हीप। अभी बिग हिप में कितने मैंगो होगी वो भी 10-10 के ग्रुप में डिवाइड करना है तो हमारे पास टोटल कितने मैंगो हैं? 540। इनको हम 10 के ग्रुप में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे? तो इधर 501 हिप में कितने हैं? 10 हिप की 1। तो 540 की कितनी हिप होगी? क्या करना पड़ेगा? 540 डिवाइडेशन 10 क्या हो जाएगा? ये जीरो कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 54। कितनी हिप हो जाएगी हमारे पास? 54 हिप हो जाएगी। ईच मैंगो mangoes can be made from कितने हिप? 540 हिप।
होगी, वही हमारा सॉल्यूशन। आई होप अंडरस्टूड दिस सम्स। नेक्स्ट, ओके आपको समझ में आया। अभी देखो हम फिर से एक बार अगर देखते हैं कितनी मैंगो लानी है। हर एक स्टूडेंट हमारे क्लास में, स्टूडेंट का तो हमको दिया नहीं कितने स्टूडेंट, वो हमको पता नहीं है। तो हमने सपोज कर लिए हमारे क्लास में 30 स्टूडेंट है, तो हम 30 स्टूडेंट है तो 30 बॉक्स मैंगो के लाएंगे। और देखो आगे, ब्रिंग सिमिलर नंबर ऑफ मैंगो बॉक्स एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। हमारे क्लास में 30 स्टूडेंट 30 बॉक्स लाएंगे, और हर एक बॉक्स में कितने मैंगो होंगी, हर एक बॉक्स में होंगी 18 मैंगो। तो देयर आर 30 स्टूडेंट इन माय क्लास, ओके वो हमने लिख दिए। बाद में ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में 18 मैंगो होंगी, ईच बॉक्स कंटेन 18 मैंगोस, ओके। तो अभी हमको उनका सॉल्यूशन लाना है कि सारी पूरी कितनी मैंगो होगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो हमको 18 मल्टी 30 उनका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमको क्या आंसर मिलेगा, 540। अभी हमको आगे एक सवाल और है, हाउ मेनी हिप्स 10 मैंगोस ईच कैन बी मेड फ्रॉम अ बिग हिप। बिग हिप है, बड़ी सी हिप है, इसमें कितने मैंगो होंगी, 540 थी। 540 मैंगो को हमको 10 में डिवाइड करनी है, हमको क्या करना पड़ेगा, उनकी 10 हिप बनानी पड़ेगी। उनको हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 540 डिवाइडेशन 10 करेंगे, इनका आंसर हमको मिलेगा 54। तो कितनी हो, कितनी हिप हो जाएगी, 54 हिप हो जाएगी, ओके। आई होप अंडरस्टूड दिस सम्स, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।